राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समर्थन किया है। ओबामा ने ट्वीट कर हिलेरी को राष्ट्रपति पद का सही हकदार बताया, तो वहीं हिलेरी ने ट्रंप को अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करने को कहा। अमेरिका के वर्जीनिया में ISIS के साथ ट्रेनिंग ले चुके एक शख्स की पेशी हुई। 26 साल के मोहम्मद जमाल को मार्च में कुर्दिश लड़ाकों ने पकड़ा था। जमाल ने करीब महीने भर तक ISIS के साथ ट्रेनिंग ली और फिर वहां से भागते वक्त वो कुर्दिश लड़ाकों के कब्जे में आया। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के लिए अमेरिका में उनके पैतृक शहर लुइसविल में प्रार्थना सभा में हजारों लोग शामिल हुए। अली के लिए 2 दिन की शोक सभा का आयोजन होगा, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। रूस के साइबेरिया में जंगलों की आग भीषण रूप लेती जा रही है। आग से रिक्टुक क्षेत्र का 588 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुका है। वन विभाग ड्रोन की मदद से हालात जानने और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में 2 अलग-अलग बम धमाकों में 22 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा घायल हो गए। एक धमाका कमर्शियल स्ट्रीट पर हुआ और दूसरा आर्मी चेक पॉइंट पर। हमले में सेना के 7 जवान भी मारे गए हैं। शरणार्थियों का समंदर के रास्ते यूरोप आने का सिलसिला लगातार जारी है। इटली कोस्ट गार्ड ने कल 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। बचाए गए लोगों को इटली के लैम्पेडूसा द्वीप पर ले जाया गया। चिली की राजधानी में छात्रों और पुलिस के बीच एक रैली के दौरान झड़प देखने को मिली। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करने और फ्री हायर एजुकेशन की मांग करते हुए मार्च कर रहे थे, लेकिन रैली के हिंसक रूप लेते ही पुलिस ने भी छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो के बाहर छात्रों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए। घुमावदार रोड पर बस के नियंत्रण खोने की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक सुखोई SU-27 दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई। गनीमत रही कि विमान आबादी वाले क्षेत्र में नहीं गिरा। रक्षा मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका से आया एक मां की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स इस महिला की 13 साल की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है, मगर ये महिला अपहरण करने आए शख्स पर एक के बाद एक वार करती है और आखिरकार उसे भागना पड़ता है। अपहरणकर्ता को पार्किंग एरिया में पकड़ लिया जाता है।